फिरोजाबाद की थाना उत्तर पुलिस ने एसपी सिटी के निर्देश में एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को मय शराब जो कि तस्करी के लिए लाई गई थी उसके साथ दबोचा है। उनके कब्जे से 1,95,000 रुपए की नगद धनराशि भी बरामद की है। पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। लाखों रुपए की शराब जो कि हरियाणा पंजाब से लाकर फिरोजाबाद में तस्करी की जाती थी उसका कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा था। पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। चेकिंग के दौरान बीती रात में थाना उत्तर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा वर्क किया गया है जिसमें एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें 1200 पेटी अवैध शराब भरी हुई है। उसमें यहाँ पे बेचने के लिए लोग लाए थे, उसमें 2 लोग और एक खरीदार 3 लोग पकड़े गए हैं। 1,95,000 रुपया भी बरामद हुआ है। 2 लोग इसमें वांटेड किए गए हैं, एक जो वहाँ से सप्लाई किया था पंजाब से हैरी नामक व्यक्ति ने, और दूसरा मौके से फरार हो गया सफारी के साथ गुरुदेव नाम का व्यक्ति है जो रजौरा निवासी है सिकोहाबाद का। ये हमारे वांटेड है, इनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और ये बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद।